किसी की पेट की बांध लीजिए, हर थोड़ी देर में जोर जोर से सांस लीजिए, क्योंकि हर बड़ा सुपरस्टार है आज आपके द्वार। With music, dance, comedy, jalve और swag bazaar. मैं तो इनका सिम्बा हूँ, सिम्बा। आपको कैसी लड़की पसंद है, जो माँ के पास ले जाई जाए या जो मालदीव्स ले जाई जाए? झूठ तो बहुत बड़ा होता है भारती लेती। मैं डर गई, मुझे लगा मेरा पैर इनके पैर के ऊपर तो नहीं अलग हूँ। मेरी बाहों से आकर लग जाओ। क्या बात है, इनको पता आजकल बारिश हो रही, कपड़े सूखेंगे नहीं, इसीलिए पैसे खड़े रहते हैं। सबसे पहले दिया प्रज्वलित करने के लिए और इस प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं। सीपी सर ने मुंबई पुलिस से 3 लोगों को चुना है इस लैंप लाइटिंग के लिए। पुलिस सब इंस्पेक्टर चारको पुलिस स्टेशन जयश्री सुरेश जोरे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रोली पुलिस स्टेशन अशोक कदम, हेड कांस्टेबल बीकेसी पुलिस स्टेशन विलास उतेकर, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई श्री संजय पांडे, श्रीमती पूनम पांडे जी, श्री जैकी श्रॉफ जी, श्री सनी देओल जी, श्री अक्षय कुमार जी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर श्री विश्वास नागरे पाटिल, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक श्री राजवर्धन, डीसीपी जोन 9 मंजुनाथ सिंगे, डीसीपी ट्रैफिक श्री राज तिलक, डोम एंटरटेनमेंट मोहम्मद मुरानी एंड मजर नरियादवाला। अरे है वो जो इंडिया के सबसे हॉट एंड हैंडसम सुपरस्टार है, जिनके लिए लड़कियां 160 सोमवार का व्रत रखती है, पर वो सोनू सबके प्यार का पंचनामा करके फाइनली हुस्न की देवी और खूबसूरती के खजाने के पास आएगा, और वो खजाना है वन एंड ओनली भारती सिंह। तानिया, माय गॉड, प्यार का पंचनामा सोनू के टीटू की स्वीटी, पति पत्नी और वो लुका छुपी और भूल भुलैया जैसी ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्मों के सुपर हीरो नंबर 1 कार्तिक आर्यन। चिकन बम बम बम
पर खेल करना उसकी हॉबी। यार मैं बैकस्टेज सोच रहा था इतनी एनर्जी इतना जोश जब आपकी पिक्चर 185 करोड़ कमाए एनर्जी और जोश क्यों नहीं होगा यार। बहुत यार सीरियस हमें हम तो 50,000 कमा ले तो पागल हो जाते नाच नाच के घर में और ये तो देखो। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी बैक टू बैक सुपर हिट फिल्म्स अच्छा बिजनेस करने वाली अभी 185 करोड़ टॉप मोस्ट पेड एक्टर्स में से एक है ये इतना पैसों का क्या करना है कार्तिक लेटूंगा पैसा ऐसा बिछा के बिछा के नहीं नहीं आई एम जस्ट किडिंग। कार्तिक ये सुना है कि जितना पैसा इंसान के पास आता रहता है वो उतना कंजूस होता रहता है हाँ। आप भी अभी कुछ हो रहे हैं पूछो कैसे कैसे इतना बड़ा सुपरस्टार इतने पैसे फिल्म ने कमाए और चश्मा देखो इतना उंगली उंगली जितने आपके शीशे हैं ऐसा क्यों ये नाचते वक्त टूटा है कि पहन के इतना आए थे। कंजूस हो गया मैं कंजूस हो गया कंजूस हो गया। मेरा एक सवाल है जी ये 5 करोड़ की गाड़ी में जब आप सिग्नल तोड़ते हो तो चालान कितना होता है। अरे पुलिस वाले सब बैठे पकड़ेंगे मेरी फोटो छप जाएगी हंसते हुए मैं कोई सिग्नल नहीं तोड़ने वाला। कार्तिक ज्यादा काम नहीं करवाएंगे सिर्फ हाँ। 5 सवाल पूछने 5 सवाल सिर्फ 5 सवाल सबसे पहला सवाल आपको कैसी लड़की पसंद है जो माइल्ड हो या फिर वाइल्ड हो। वो बिल्लियां करती है भालुओं का अलग स्टाइल होता है। आपने सही जवाब दिया तो फिर डांस तो बनता है नाचने का मौका है ना। चलिए आपको कैसी लड़की पसंद है जो माँ के पास ले जाई जाए या जो मालदीव्स ले जाई जाए। मम्मी क्या मम्मी तो घर में ही रहती मालदीव्स वाला कह देना। नहीं मुझे लगता है जो माँ और मालदीव्स दोनों में ले जाई जाए। क्या बात है दो शादियां करेंगे कार्तिक आर्यन क्या बात है बहुत बढ़िया। यार ये लड़का सही जवाब दे रहा है तो सीधा ही कह दो कि लंबा गाना बजा दे 5 कोर्स में कर लेते हैं। ठीक है म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक
कार्तिक आप जब भी सामने सोफे पे बैठे तो कोट काला पहन लीजिएगा क्योंकि सोफा भी व्हाइट आप भी व्हाइट तो आप पूरा शो भी देखेंगे तब भी पता नहीं चलेगा कि आप बैठे हुए हैं। फिर मैं एक बात कहूं, ग्रीन कपड़े में अगर कोई सुंदर लग रहा है ना आज तो आप ही लग रही है। मैं इधर खड़ी हूँ इनकी बीवी फिर भी उधर लाइन मार रहे हैं। सॉरी सर नजर चली जाती है, मैंने देखा था आप भी एक दो बार देख लिया था आपने। नजर चली जाती है उनको गुस्सा आ गया ना फिर नजर कहीं नहीं ऐसी रहेगी तुम्हारी। जोरदार ताली हो जाए कार्तिक आर्यन के लिए। थैंक यू सो मच। और अब हमारे बीच आ रहे हैं जनरेशन एक्स के आइकॉन वर्सिटैलिटी का राजकुमार, स्टाइल का बेफिक्रा, दिलों का लुटेरा, दुनिया के हर गुंडे का दुश्मन, एज मिलनसार एज अ गली बॉय, पर सिम्बा, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी फिल्मों में एक्टिंग का किंग रणवीर सिंह। जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया ना सिक्के ढोल पे धंधना धन नाचा तो सबका भी हिट हो गया। मेरे इशारे पे तो धना दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया ना सिक्के ढोल पे धंधना धन नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है मुंबई हो या
नाचे मेरा वाला डांस, यह मेरा वाला डांस, तो नाचू बात है, जोरदार तालियां हो रणवीर सिंह के लिए। इंडस्ट्री का एनर्जी ड्रिंक रणवीर सिंह। और रणवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे मुंबई पुलिस को आज? बस मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खास करके पिछले 2-3 साल में बहुत मुश्किल दौर रहा है सबके लिए, आपके लिए। पैंडेमिक हो गया, किसने सोचा था लॉकडाउन, घर पे बैठे रहेंगे, बाहर नहीं जाओ, किसी से मिलो नहीं, जब भी तक नहीं पाओ। मेरा दिल डर गया, कसम से घबरा गया मैं। पर एक फोर्स थी जो नहीं घबराई, एक फोर्स थी जो डटी रही, अपनी जान की बाजी लगा के हमारी रक्षा की। इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे मैं हमेशा से कहते आता हूँ, आप हमारे असली हीरोज हैं। आप हैं तो हम। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने इस एनुअल एक्सट्रावेगेंजा में मुझे आपको आपका मनोरंजन करने का एक मौका दिया। मैं और क्या कर सकता हूँ यार, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आई एम नॉट ग्रेट लाइक यू, आई एम जस्ट एन एक्टर, जस्ट एन आर्टिस्ट। मैं असली हीरो नहीं हूँ। मैं स्क्रीन पे वर्दी पहनता हूँ और पुलिस बनने की एक्टिंग करता हूँ, और आप वो हो जिस पर पिक्चर बनती है। ट्रैफिक सिग्नल में मैं खड़े रहता हूँ, लोग ए देख हीरो, मैं नहीं हूँ भैया हीरो, ये है हीरो। हमारे पाटिल साहब हमारे जिम में आते हैं, देखो कितने फिट है, कितने फिट और हैंडसम है कि नहीं, है कि नहीं? Yes. अरे आपको माहौल देखना चाहिए जिम में, जब ही आते हैं तभी सब लोग अपना वेट वेट छोड़ के सर 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 अच्छे यार, मैं तो इनका सिम्बा हूँ, सिम्बा। थैंक यू सो मच रणवीर यहाँ पे आने के लिए। अब वो कोरियोग्राफर कम एक्ट्रेस कम मॉडल कम रियलिटी शो जज कम डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर कम राइटर, यहाँ एंटरटेनमेंट का दिल, कोरियोग्राफी की जान, द वन एंड ओनली फराह खान। आप अपनी नई फिल्म की हीरोइन ढूंढने आई हैं और वो आपको आते ही मिल गई है, और वो है स्टेज पे। एक मिनट, ये हीरोइन है कि क्रिसमस ट्री? मैं तुझे हीरोइन नहीं ले सकती भारती, क्योंकि ना सारी जो हीरोइन है ना मेरी फिल्म की, दीपिका, कटरीना, सुष्मिता, वो मतलब कॉम्प्लेक्स खा जाएंगी, क्यों तीन मिलाकर भी एक तू नहीं बनती है। तो चलो ठीक है, आप हीरो ढूंढने आई हैं? हाँ, मैं आज हीरोज ढूंढने आई हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मैंने कहा था कि अपना टाइम आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मैं हीरो ढूंढने आई हूँ, हीरो का छाता ढूंढने नहीं आई हूँ। ठीक है, आपको हीरो ढूंढने की क्या जरूरत है, इतने सारे हीरो के नंबर आपके फोन में। अरे मैं रियल लाइफ हीरोज ढूंढने वाली हूँ आज। रियल लाइफ हीरो? रियल लाइफ हीरोज। अरे क्या हाथ उठ रहे हैं यार। हेलो मैम, आपका नाम?
जी मेरा नाम सचिन चौहान। तो चौहान जी आपको डायलॉग बोलना है। हीरोइन फाइनल यही है, भारती है। हाँ जी हाँ, हीरोइन फाइनल है, भारती है। अरे कैसा मुंह बना लिया सर। मैडम इतने बेटे से अच्छे अच्छे सब अच्छे अच्छे मतलब अच्छे अच्छे मतलब मेरे को फंगस लग गई है भाई, मेरे को से चले लो। आपने कैसे कह दिया मुझे, ऑलरेडी बुक ना मैम। सर मेरे में क्या कमी, अगर मेरे में कोई कमी होती तो इतना बड़ा शो मैं होस्ट करती। मैम देखो मैम मेरी पास, मैम मेरे साथ है, मैं आपको बताऊंगी मैनिक्योर सस्ते कहां करते हैं। आपकी लाइन है, कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा हो उसके लिए एक शेर ही काफी होता है। और ये लाइनें आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं। रोमांटिक लाइन में बोलना है। ओके भारती। ओहो सर देख रहे, टच भी कर रहे हैं। भारती कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा हो भारती, शेर आपके लिए काफी होता है। मगर आपने ऐसा अजय देवगन के जैसा रोमांस किया। ओके हाँ, शाहरुख के जैसा रोमांस करो। ए भारती कुत्तों का झुंड तो बहुत बड़ा होता है भारती, लेकिन मैं डर गई, मुझे लगा मेरा पैर इनके पैर के ऊपर तो नहीं आ रहा। आपके पास और कोई टैलेंट है क्या? डांस विंस कर लेते मैडम। डांस विंस जी, तो कुछ गाना लगाओ यार आपका डांस। आवाज है आती हर रोज से, मैं तो चलो इस कदर कि मच जाए ये गदर, होश वाले भी मत होश आए नजर मेरे फोटो को, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया बेबी कॉल से, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले से हूँ रेडी तैयार पट्टा ले सैया मिस कॉल से। क्या बात है, क्या टैलेंट से भरा हुआ है आपका डिपार्टमेंट। सर यहाँ तो बहुत मस्ती कर ली, लेकिन घर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। और कोई है? अरे सर, अरे आला रे आला, इनका बाप आला। भाव आपका नाम? मेरा नाम अमोल यशवंत कामले मैम। अरे मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा है, मैंने इनको, ये बहुत पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे, बहुत डांस करते हैं ये। अरे मैम सर बैठे सामने। डांस के लिए रेडी है? रेडी कि मैम आई है? मैम एकदम रेडी हूँ। कौन सा डांस है? जा झिंगाट टाइप जैसे डांस? जो भी बजाओ मैम। झिंगाट हो जाए क्योंकि आपने सिखाया है। काफी चांसेस है मैम की फिल्म के। आप जब रिटायर होएंगे ना मेरे असिस्टेंट बन जाना कोरियोग्राफर। पक्का पक्का। कल गाने की शूट है, पेमेंट वगैरह मिलेगा ना? पेमेंट बीवी बच्चे में। आप कितना दोगे मुझे पेमेंट वो बताओ। देखा मैंने कहा था ना ये एक ही बंदी जो सबको डांट सकती है, क्योंकि जब इनका बेबी होने वाला था ना तो डॉक्टर ने कहा आपको बेटा हुआ है, ऐसे कैसे इतना टाइम दिया है, एक नहीं तीन तीन जो होने चाहिए, डॉक्टर ने दो अपने दिए थे, टोटल तीन इनके हो गए। तो बहुत डांट देखो मैम। फिर मैं खुश हूँ। खुश हो भाई? आपने तो चार चांद लगा दिए एक बार हमारे भाई के लिए, जोरदार तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आ रही है न्यू जनरेशन की दो देवी, बरेली की भर्ती से भी स्वीट कृति सनो।
और उसके बाद टैलेंट की पूरी थान, एकदम चकाचक हीरोइन सारा अली खान। संतरे की टोकरी, घर तो छुड़वाया अब क्या छुड़ाएगी नौकरी। Romeo, Romeo. कैसी है सारा आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। नमस्ते आप सब लोगों को। पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आज का दिन आप लोगों के साथ बिता सकती हूँ, आप लोगों के फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग सेफ हैं। सो थैंक यू कि आप लोग दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी स्वीट सारा, क्या बात है सारा। आप सिंगल हैं? हाँ जी। और आप बदनसीबी से एक ऐसी जनरेशन में आई है जहाँ सलमान सर, टाइगर श्रॉफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कार्तिक आर्यन के अलावा सब मैरिड है, यानी अनफॉर्चुनेटली मैं खुद मैरिड हूँ। तो अगर आपको शादी करनी हो, और सपोज करिए कि सारे सेलिब्रिटीज कवारे हैं, तो आप कौन से सेलिब्रिटीज के साथ डेट पर जाना चाहेंगी? मुझे सिर्फ रणवीर सिंह के साथ डेट पर जाना है। क्या बात है, लड़की ने गेम ही खत्म कर दी। शादी तो उनकी भी हो गई, तो बोलना नहीं चाहिए पब्लिकली पुलिस के सामने, सॉरी। लेकिन हाँ, जाना है तो सिर्फ रणवीर सिंह के साथ जाना है। दिल का हीरो, सबका हीरो रणवीर सिंह। क्या बात है, रणवीर सिंह की बात ही अलग है। हाँ जी। सारा, हर्ष की जगह रणवीर सिंह यहाँ पे खड़े होते तो आप उनको आज क्या कहते? समझ रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। बाय भारती जी, थैंक यू। बाय, कम ऑन सारा, हमारी फ्लाइट लेट हो रही है। बाय भारती। अब एक और ट्रिपल हंगामे के लिए हो जाइए तैयार, आ रही है द अमेजिंग तमन्ना भाटिया, और उनके बाद लाखों दिलों की धड़कन पूजा हेगड़े, और उनके बाद पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर की तूफानी हीरोइन रश्मिका मंदाना। Bye.
तो पाए प्यास है तेरी हालत क्या कर दी तूने मेरी आगे बढ़े मुझको बाहों में सांसें निकल ना जाए मेरी देता दिखाई सुनते जब तूने गिराई देखे तू तो हो जाऊं पागल झूले तू तो होती दबाए आंखों में कैसी कसक है मुझको बस तेरी सनक है परवाने भी देते गवाही झूले तू तो होती दबाए Come on.
तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चलूं सामे तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल कौनी मोर सामे और अब वो जिन्हें पूरे देश के लड़के भाई कहते हैं और खूबसूरत लड़कियां जान कहती हैं, तभी तो शायद उनको भाई जान कहते हैं। उनको इतना प्रेम मिला है, इतना प्रेम मिला है क्योंकि कई फिल्मों में उनका नाम प्रेम भी था। आज के सबसे बड़े मेगास्टार सलमान खान। जान लो एक बार, अब सुनो मेरी बात। दिल दीवाना दिल सजना के माने ना ये पगला समझाने से समझे ना जिमने लागे अंग्रेजी में लड़की जल्दी पटे आई लव यू बोल उसके बाद सीधा किस हुए कहीं दिल वाली बात भी ना ना वो सजरी जवानी कहीं जगहों में ना आ मैं तेरे काबिल भी हो गया थोड़ा थोड़ा कुछ से सीखा प्यार करने का सलीका दिल के खुदा की मुझ पे इनायत है तू जग घूमिया हर जैसा ना कोई क्या बात एक बार जोरदार तालियां हो जाए सलमान सर के लिए सर
थैंक यू। क्या डांस किया आपने? हम बैकस्टेज में आपको ही देख रहे थे सर। क्या डांस किया मतलब? क्या नहीं मतलब, क्या डांस किया आपने? क्या डांस, क्या डांस किया, क्या डांस किया सर आपने? शुक्रिया सर। मुंबई पुलिस आपका कब से वेट कर रही थी, क्या कहना चाहते हैं आप इनको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा और मेरे फादर का पुलिस से एक हमेशा से नाता रहा है जी, पुलिस पुलिस का नाता रहा है। समझ गए सर। कि जो मेरे फादर के फादर हैं जी, वो डीआईजी पुलिस थे। ओह। और मैं फिल्मों में हमेशा से, जितनी भी मेरी हिट फिल्में रही हैं उसमें सिर्फ पुलिस का ही किरदार अदा किया है। क्या क्या बात है सर। मैंने ऐसे देखो ना, क्या सर, एक चुलबुल पांडे हैं। हाँ? और एक पांडे यहाँ बैठे। क्या बात है सर। लेकिन आपसे एक बात पूछनी है सर। ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भारती ये होता है कि पूरा क्लाइमैक्स खत्म हो जाने के बाद जी पुलिस आती है। आती है। मेरी पिक्चर में ये नहीं होता, क्योंकि मैं खुद एज ए हीरो पुलिस वाला होता हूँ, तो मैं ही खत्म करता हूँ वो क्लाइमैक्स को। क्या बात है यार। ये तो आपने बात सही बोली, बट असल जिंदगी में तो पुलिस टाइम पे आ जाती है, हम फिल्मों में तो ऐसे ही कर देते हैं। क्यों सर? मेरे लिए हमेशा से टाइम पे आई है। मुझे आपसे एक शिकायत है सर। क्या सर? आप अपनी फिल्मों में सारे न्यू कमर्स को काम देते रहते हैं। मैं 15 साल से आपके शोज में इतनी बड़ी कमर लेके। तो न्यू कमर हो गई है। ओहो क्या बात है। तो मतलब कभी आपको हो तो सर वन कॉल अवे, मैं तो फोन कर दीजिए, मैं आ जाऊंगी सर। तो सर आपने यहाँ पर आके सच में आज हमारी मुंबई पुलिस को खुश कर दिया। वो कब से आपका वेट कर रहे थे कि सलमान भाई कब आएंगे, कब आएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सलमान भाई के लिए। थैंक यू सो मच सर। इस देश में 40 करोड़ महिलाएं जिन दो पुरुषों को सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं वो होते हैं उनके पिता, भाई, बॉयफ्रेंड, लेकिन वो दूसरा इंसान होता है शाहरुख खान। कोई भी किसी से प्यार करे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शाहरुख खान से प्यार ना करे? ये बात तो सही है। 30 सालों से आपके दिलों पर अनडिस्प्यूटेड राज करने वाले, पत्थर और पहाड़ों में भी मोहब्बत जगाने वाले। क्या बात है। रोमांस के बादशाह, धड़कने हिंदुस्तान, मुझे मेरे पति से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो है वन एंड ओनली शाहरुख खान। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आप सबको मेरा नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, आमंत्रित किया है। एंड मैं बहुत दिनों से बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर रीजंस पब्लिक प्लेसेस में नहीं गया हूँ, बट यहाँ पर मेरा आना बहुत बहुत लाजमी था, क्योंकि मुझे यहाँ पर आकर अपनापन लगता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग ऑल ऑफ यू ग्रेट उमंग 2022 एंड सलाम एंड आदाब टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बात है शाहरुख सर। मुझे बताइए कि नाचते वक्त ऐसी वो कौन सी लड़की थी जो पप्पी ले गई, आपकी निशान दे दिया? मैं कर देती हूँ, क्योंकि बीवियां इस बात पे बड़ा कलेश डाल देती हैं। शाहरुख सर, यहाँ पर इतने सारे सेलिब्रिटी आए हैं लेकिन मेरी नजर कमिश्नर साहब से नहीं हट रही सर।
जिस शान से सर बैठे हुए हैं, आई एम श्योर सब उनकी बात मानते होंगे। मतलब कितनी बड़ी बात होगी ना सर, मुंबई शहर का पुलिस कमिश्नर होना। मुंबई पुलिस का कमिश्नर होना आई थिंक इस महकमे के लिए नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी बात मानी जाती है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ शख्सियत ऐसी हैं, एक शख्सियत ऐसी है स्पेशली जिनके सामने हमारे कमिश्नर साहब भी जो हैं सर झुका के यस बॉस यस बॉस यस बॉस करते रहते हैं। मैं नहीं मान सकता सर, ऐसी कौन सी पोस्ट है? कमिश्नर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बता दूं कि आप किसके सामने यस बॉस करते रहते हैं जी। इसके लिए मुझे आपको एक मूवी दिखानी पड़ेगी। काहे काम द रेस्ट, देखा आज आपको याद है क्या है हमारी शादी की सालगिरह और आप लेट आए हो क्यों? डार्लिंग तुम आते ही नाराज हो रही हो मुझसे, तुमने ये पूछा भी नहीं कि आज मेरी उंगलियां कैसे चली। बस उंगलियां बताओ कैसे चली। मैं आज व्हाट्सएप पे तुम्हारा डीपी देख रहा था, तुम इतनी हॉट लग रही थी जैसे मैंने ज़ूम इन किया ना। बेबी क्यों मुझे ज़ूम करते हो, आपको तो पता ही है मेरी डीपी ज़ूम मत किया करो, मैं पहले ही ज़ूम हूँ। और ये उंगलियां जल गई, ये हो गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बातों में मत उलझाओ मुझे, आज एनिवर्सरी है, लेट क्यों आए ये बताओ। बेबी मैं मुंबई सिटी का पुलिस कमिश्नर, मैं रातों भर जागता हूं तो ये पूरी सिटी जो है चैन की नींद सो सकती है। तुम्हें पता है मैं अपने सालगिरह का फंक्शन अब मिस करता हूं तो लाखों हजारों ऐसे फंक्शन हैं जो सेफली बनाए जाते हैं। और अपना फंक्शन मिस करके दूसरे के फंक्शन को आगे बढ़ाने वाले को कहते हैं बाजीगर। नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर है? यही सब बातें आती हैं आपको? हाँ, मेरी बाहों से आकर लग जाओ। हाय, क्या बात है, पूरा खोलिए। ये शाहरुख खान के साथ साथ अच्छे पति भी है, इनको पता आजकल बारिश हो रही कपड़े सूखेंगे नहीं, इसीलिए घंटों घंटों ऐसे खड़े रहते हैं। एक बार तो मैं दुबई चली गई थी 3 महीने के लिए, 3 महीने ऐसे खड़े रहे, बेड की सारी शीट सुखा दी आपने। मुझे तुम्हारी यही अदा बहुत पसंद है। सच्ची? इधर आओ, तुम मेरी आंखों में देखो और मेरे करीब आओ, और पास और पास। कमिश्नर सर यही बोल रहे, मैं कुछ नहीं कर रही अपनी तरफ से। ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जब पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। बस बस मुझे याद आ गया, एनिवर्सरी और आप लेट आए हो, मुझे छोड़िए, मुझे अच्छा लग रहा है, छोड़िए मुझे, छोड़ दिया। हाँ, कौन सी आंखों में अदाएं, कभी आंखें गौर से देखिए मेरी मोतिया बिंद है।
ऑपरेशन करवाया, मुंबई कमिश्नर क्या बन गए, सारी दुनिया की हेल्प कर रहे हो, मुंबई को ऐसा बनाऊंगा ये वो, कभी बीवी की हेल्प की है? आज मैं यहाँ पर हार गई हूँ, हार गई, देखो हार गई मैं। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। और रोज सोने से पहले आपको मेरा बिस्तर झाड़ना पड़ता है। ये सबके सामने क्यों ऐसा तो ऊंचा ऊंचा बोल रही हो? जोर से बोल दिया? हाँ। एक मिनट, जाओ जाके बिस्तर झाड़ के आओ। तुम्हें पता है भारती मैं कौन हूँ? मैं नरों में नर, मुंबई का पुलिस कमिश्नर। और मैं? तुम हो नारियों में नारी, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनारी। और सिर्फ तुम नहीं, मुझे लगता है कि हर नारी दुनिया की जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनारी होती है। क्या बात है, ऐसी लाइन तो सिर्फ शाहरुख खान ही बोल सकते हैं। जरा हंसना जरा। बारिशों का मौसम है, छत पे बिल्कुल मत सोना, मतलब खड्डे में पानी आ जाएगा और मच्छर आ जाते। यार कितने अच्छे पति, मैंने आपको माफ कर दिया, आप लेट आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जल्दी आना। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक्चुअली क्या है ना कि आदमी कमिश्नर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, सुपरस्टार बन जाए, सुपर कॉप बन जाए, चाहे हेड ऑफ द हाउस हो जाए, लेकिन जो गर्दन है वो घर की औरत ही रहती है। और गर्दन जिस तरफ मुड़ती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हेड को भी उसी तरफ घूमना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई आई डेडिकेट दिस इवनिंग एंड एवरी इवनिंग टू ऑल द लेडीज इन द वर्ल्ड। ये मेरे दिल से निकली है। हाउ स्वीट यार, तालियां हो जाए एक बार। शाहरुख सर के लिए जोरदार तालियां। यार मेरी बीवी के साथ रोमांस कर रहे थे और मुझे ही मजा आ रहा था। ये चाम है शाहरुख सर का, सीरियसली। कितना अच्छा पति, ऐसा सबको मिले। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपको 30 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में और आपने कल्ट फिल्में दी है, और हमारी फिल्में जितनी हिट नहीं होती उससे ज़्यादा डायलॉग्स हिट होते हैं, और आपके डायलॉग्स तो माशाल्लाह, आम बात भी बोलते हो तो ऐसा लगता है डायलॉग बोला हुआ है। तो हमारे मुंबई पुलिस के कुछ लोग हैं जो आपके डायलॉग आपके सामने बोलना चाहते हैं। प्लीज़ आप लोग यहाँ पर आ जाएं, मैं थोड़ा सिखाने की कोशिश करूँगा, हालांकि मुझे इतना सिखाना आता नहीं, बट भारती भी मेरी हेल्प करेंगी। बिल्कुल सर, पूरी हेल्प करूँगी मैं। सबसे पहला डायलॉग जो है, जितना लव को छोड़ तू हेट पे जाएगा, उतना मुंबई पुलिस के साथ डेट पे जाएगा। जितना लव को छोड़ तू हेट पे जाएगा, उतना मुंबई पुलिस के साथ डेट पे जाएगा। वाह, क्या बात है निखिल। आप अगर मैं ये डायलॉग बोलता तो कैसे बोलता? थोड़ा सा आवाज जो है हस्की करता, मैं मोटी करता। मेरे साथ बोलो, जितना लव को छोड़ तो हेट पे जाएगा। उतना मुंबई पुलिस के साथ डेट पे जाएगा। चलिए अगला डायलॉग। शांति रखेगा तो हमराज है मुंबई पुलिस, दंगा करेगा तो यमराज है मुंबई पुलिस। वेरी गुड, लेकिन थोड़ा दादागिरी से बोलना पड़ेगा ना यार ये। हाँ थोड़ा ज्यादा करिए, माइक अपने पास रख, जब चले गए तो पैरों से आवाज आनी चाहिए। धुक 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 धुक, टक 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 टक। शांति रखेगा, शांति रखेगा तो हमराज है मुंबई पुलिस, तो हमराज है मुंबई पुलिस। दंगा करेगा, दंगा करेगा तो यमराज है मुंबई, तो यमराज है मुंबई पुलिस। वाह वाह वाह, वेल डन। थैंक यू निखिल एंड थैंक यू सचिन। लेकिन सर आप ना शादी पे आए ना बेबी हुआ तब आए, क्यों? मेरी तो शादी भी हो गई सर अभी। लेकिन तुम जानती हो मेरा प्रेम तुमसे कितना है। और हर्ष मैं सॉरी ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम शादी नहीं करते भारती से तो मैं कर चुका होता, मुझे इतनी प्यारी है। अरे सर मैं तो कहता हूँ नेकी और पूछ पूछ, मैं आज ही तलाक दे देता हूँ। एक बार शाहरुख सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
दोस्तों, मुंबई पुलिस इस शहर को हमारे लिए सुरक्षित बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हाल ही में कई नए आइडियाज मुंबई करों के लिए लाई है हमारी प्यारी पुलिस फोर्स। इस गिफ्ट का नाम है संडे स्ट्रीट्स। क्या बात है, कुछ टाइम के लिए वाह, कोई ट्रैफिक नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा, कोई ज्यादा भीड़ भड़क्का नहीं होगा। हम और हमारे दोस्त और हमारे परिवार वाले खुले में हवा ले सकेंगे, खुली सड़कों पे चल सकेंगे, मुंबई की सुबह का नजारा मजे से ले सकेंगे। अरे हर, सिर्फ हम ही नहीं, बॉलीवुड के सुपरस्टार भी संडे स्ट्रीट्स को अपने सपोर्ट देने में पीछे नहीं हटे। अच्छा, नहीं यकीन होता तो देख लीजिए। संडे स्ट्रीट बाय मुंबई पुलिस आम आदमी के लिए ये खुल के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है। 4-6 मंथ से लेके 100 ईयर्स तक के लोग एक साथ में यहाँ पर रोड पे दिखने को मिलते हैं। हम लोग भी अभी काफी एंजॉय कर रहे हैं। Health is the most important thing in the world. आप देख सकते हो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। Your songs are going on. Anywhere अच्छा लगता है कि हम यहाँ गलियों में घूम रहे हैं। ये सिटी हमारा है। It is our time. ये स्ट्रीट के ऊपर only cars moving around and it is us now moving around. This city is ours and it will always remain ours. And thanks to the police. Thank you, Mumbai Police. Keep on being healthy and happy Sunday. मुंबई पुलिस और अक्षय कुमार सर के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, उमंग की शाम में सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ स्टेज पर होगी आपकी प्यारी मुंबई पुलिस की सुपरस्टार कांस्टेबल साइली विजय तलेकर। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। Yeah.
धमाकेदार और फटाफटी परफॉर्मेंस। पाजी पाजी आप ठीक है पाजी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उससे ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है। ओवर एक्टिंग ना कर, इसके पैसे काटो ओवर एक्टिंग के। पैसे मिले होते तब तो कटते ना। नहीं मतलब शर्म आती चाहिए ऐसी बातें बोलते हो। पुलिस शो में हो, शर्म आनी चाहिए। सर हमारा भी बच्चा घर में है, उसको भी दूध पिलाना है, पैसे से आता है दूध। पैसे से आता है दूध? हाँ। ओलो जी, अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं सर काम करती हूँ ना। लेकिन क्या बात है पाजी, क्या परफॉर्मेंस दिया हर्ष। मजा आ गया सीरियसली, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अक्षय पाजी के लिए। और साइली, साइली जी के बारे में बोलिए, पहली बार इन्होंने परफॉर्म किया है ऑन स्टेज। वाह साइली जी, कैसा लग रहा है आपको? ये तो पूछेंगे नहीं। हाँ, नमस्कार। मी एक छोटा पोलीस आहे, WPC तळेकर। म्हणजे खूप स्वप्न होतं की कधीपासून मला उमंगमध्ये डान्स करायचं आहे। आम्ही दिवाळी मेळावा खूप केला आहे, 10 इयर्स दिवाळी मेळावा करतो आहे, पण मला स्वप्न होतं की स्वरतरंग आणि उमंगमध्ये एक परफॉर्मन्स तरी ॲटलीस्ट। आणि मी खरंच खूप हॅपी आहे की मला अक्षय सरांबरोबर डान्स करायला भेटला। केव्हा 10 वर्ष झाले तुला हे स्वप्न घेताना? म्हणजे काय शाळेत होती? लेकिन आपको एक सलाह दूंगी और कहूंगी भी हाथ जोड़ के कि प्लीज आप पुलिस में ही रहिएगा, बॉलीवुड में मत आइएगा, वरनी हमारी जितनी भी हीरोइन है वो डर जाएंगी कि इतना अच्छा पुलिस वाली डांस कर रही है तो हमारा क्या होगा। सीरियसली आप, लेकिन आज बाकी जो सारी हीरोइन है तेरी कजन लगती है। आपको कैसे पता सर? कजन लगती है तो क्यों बीच में बोलती है? अरे नहीं बताओ तो सही, अरे मैं बताऊँ तो सही सर कि ये जो कर रही है वो अच्छा है। अरे वो परमिशन लेके आ सकती है, एक फिल्म कर भी सकती है। एग्जैक्ट। क्या बात है, एक बार साइली और अक्षय सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू पाजी, थैंक यू साइली, थैंक यू पाजी, थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। बस बाकी बस आना कभी घर, गणपति पे दोनों नाचेंगी। अक्षय सर आपका वेट कर रहे हैं। और अब उमंग की शाम में होने वाली है सुरों की सुरीली बारिश। और जब बात सुरों की होती है, हिंदी प्लेबैक सिंगिंग की होती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम जबा पे आता है, स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी। उनके जाने से जो खालीपन संगीत की दुनिया में आया है उसे कोई किसी भी जन्म में भर नहीं सकता। और स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को स्वरांजलि देने आ रही है श्रेया घोषाल, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरी आवाज ही। नमस्कार उमंग के सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों और पुलिस फोर्स के पूरे परिवार को मेरा बहुत सारा प्यार और नमस्कार। आज इस मंच पर मैं खड़ी हूँ एक हम सब की चहेती, वो भारत ही नहीं पूरे विश्व की बेटी, मेरी गुरु और वो अमर आवाज़, उनको मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आई हूँ। माँ सरस्वती स्वरूप लता मंगेशकर जी को मेरा प्यार भरा दिल से संपूर्ण तरह से समर्पण और नमन।
जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके किया तो डरना क्या
इतना प्यारा ट्रिब्यूट सिर्फ श्रेया मैम दे सकती हैं। अब स्टेज पर आ रहे हैं वो जो कभी डांस रोमांस की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुआ करते थे, पर अब खुद उनकी अपनी फैकल्टी है, डांस एक्शन रोमांस गुड लुक्स, हर्ष क्या नहीं है उस बंदे के पास। वन एंड ओनली टाइगर श्रॉफ के लिए। छोटी बच्ची हो क्या? हीरोपंती करेगा क्या करूं यार, सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं। जिनको हर औरत अपने आप में देखती है, जो है हम सब की यानी कि पूरे हिंदुस्तान की प्यारी रूपाली गांगुली। रूपाली जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक भारती जी, और आपके और हर्ष जी के साथ खड़े होकर बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, थैंक यू सो मच। मैं मुंबई पुलिस से एक बात कहना चाहूंगी कि जब हम अपने घरों में कैद थे, जैसे पिंजरों में कैद थे, खुद को और हर चीज को पागलों की तरह सैनिटाइज करके सेफ रह रहे थे, तब कुछ लोग, कुछ शेर दिल वॉरियर्स थे
जो घरों से बाहर अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से दूर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हमारे लिए ड्यूटी से घर जाते तो दरवाजे की चौखट पर बैठकर खाना खाते थे, दूर से अपने बच्चों को देखते थे, बच्चे रोते थे कि पापा की मम्मी की गोद में जाना है, लेकिन गोद में उठा नहीं पाते थे। कोविड के आगे लाठी मार्च करते हुए बेचारे खुद पत्थर खा रहे थे और हम घरों में सेफ थे। आज मैं हम सब की तरफ से थैंक यू सो मच मुंबई पुलिस, एब्सोल्युटली रॉक्स, आप सभी को मेरा सल्यूट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जोरदार तालियां हो जाए रूपाली के लिए। अब जो स्टेज पे आ रही है, उन्होंने हमें टीवी पे बहुत हंसाया है, बहुत रुलाया भी है। वो बड़ी प्यारी सी, बड़ी चुलबुली सी है, जिन्होंने कम समय पे सबके दिलों पे राज कर लिया है, और वो है हम सब की प्यारी, क्यूट सी, सुंदर सी, और अब तो भाई हॉट सी, शहनाज गिलकर। ओए होली होली गिद्दे विच नच पर बिलोनी तेरा लक नाम रोड़ा खा जा दे, कच दा जमान बिलो रख साम के नी किते सोनिया तड़क ना डारे। होली होली गिद्दे विच नच पर बिलोनी तेरा लक नाम रोड़ा खा जा दे, होली होली गिद्दे विच नच पर बिलोनी तेरा लक नाम रोड़ा खा दे। या बेबी या बेबी आ बेबी या बेबी कबूतरी नू रख सांभ के, संदूआ कबूतरी नू रख सांभ के, ओ किते हाथ चो पड़कना हर्ष, अब वो आ रहे हैं जिनके नाम में ही कौशल है। वो मेरी ही बिल्डिंग में रहते हैं, पर एक लड़की ने उस लड़के को मुझसे छीन लिया। लेकिन जब भी वो एक वर्ड वाली फिल्में करते हैं, जैसे कि उरी, राजी, संजू मसान, मतलब दुनिया हिला देते हैं। हर्ष, अब गेस तो आपने कर ही लिया होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टॉल, डार्क, हैंडसम, हिंदी सिनेमा का आज और कल
प्लीज वेलकम विकी कौशल। क्या बात है विकी, आप आज यहाँ पर आए हैं तो हमारी मुंबई पुलिस को क्या कहना चाहते हैं आप? मुंबई पुलिस को क्या कह सकता हूँ मैं, पैदाइश मुंबई की है, मैं काम मुंबई में करता हूँ, मैंने पढ़ाई मुंबई में की है, पूरी तरीके से मुंबईकर हूँ। और आई थिंक हमने हमेशा मुंबई पुलिस को अपना परिवार ही माना है, क्योंकि उन्होंने पूरे शहर को अपना परिवार माना है। थैंक यू सो मच, हम जितना थैंक यू कहें वो कम ही होगा, बट फिर भी एक और बहुत बड़ा दिल से थैंक यू आप सबके लिए। यहाँ जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं हम उनके साथ गेम खेलते हैं। अच्छा, मतलब विकी आपको बस एक्ट करना है बिना बोले। अच्छा। और हम वो बताएंगे कि आप किस हीरो की एक्टिंग कर रहे हैं। करेक्ट। ओके। इतना क्या देख रहे हैं विकी आप? अभी आया। अरे बाप रे, इनको रिपीट कैसे ही कर सकता है कोई। एवरग्रीन गाना है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे कहा था 10 मिनट के लिए, आधा घंटा हो गया मैं बैठा हूँ। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। अरे अपना 1/2 2/4 यही ना? यांचा काय करू मी, काय करू मी यांचा, काहीतरी टिप्स द्या मला। अच्छा अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। एक इसमें गेस नहीं किया तो मैं बोलूंगा अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। 1 2 3 4 5 6 देखा देखा देखा, सुबह होने ही वाली थी आपने गेस कर लिया। ये गलत है। क्या क्यों? ये गाना था मेरा पिया घर आया ओ राम जी। ये मेरा पिया घर आया था जी। और आपने ये कितने पिया आए थे आपने गिनती गिना दी? 1 2 3 ये ऐसे ऐसे करके। विकी पाजी सुबह आपकी वजह से होनी थी। सही में। तो चलिए अगला गाना देखते हैं। ओह वाओ, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। ओके क्या बात। अच्छा तो इनका ये स्टेप है। Disco dancer, ये कौन करता है डिस्को में? कौन से डिस्को जा रही थी आप? ये गई नहीं थी कभी डिस्को, मैं लेके जाऊंगा इसको, कोई नहीं कोई बात नहीं, हम जाएंगे। फिर से एक बार कोशिश करो, फिर से एक बार कोशिश करो। करेक्ट। थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए, शादी की बहुत बहुत मुबारक आपको। शादी के बाद मैं आपसे यही कहूंगी, हाउस द जोश? जोश इज वेरी 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 हाई। एक्चुअली मैं एक बात कहना भी चाह रहा था कि मुझे जब भी कोई मौका मिलता है ना कि किसी फिल्म में वर्दी पहनने का, तो मैं वो मौका छोड़ता नहीं हूँ। यस, बिकॉज उसमें मेरा काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमें वरना हर फिल्म में हीरो बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट अब मुझे लगता है कि जब आप वर्दी पहन लो ना हीरो, आप ऐसे बन जाते हो। क्या बात है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सारे वर्दी वालों के लिए थैंक यू सो मच अगेन, आपको दिल से सल्यूट है, नमन है, और जैसे आप हमारे साथ हमेशा खड़े हैं, आई प्रोमिस एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फ्रेटर्निटी वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच। क्या बात है विकी। सनी पाजी के लिए जोरदार तालियां। एक तो मेरी जुबान भी ना, जो भी हैंडसम लड़का पाजी क्यों निकल जाता है पीछे हर। सनी पाजी सत श्री अकाल। पाजी कैसे हैं? आइए पाजी।
मैं जब भी आपकी फिल्में देखता था, जब भी आपके डायलॉग सुनता था, मेरे को ऐसा लगता था काश मेरी पर्सनालिटी ऐसी होती है। एंड आई एम श्योर आधा हिंदुस्तान नहीं, पूरा हिंदुस्तान ये सोच रहा होगा कि काश ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी आवाज़, ऐसी आंखें मेरी होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है नहीं। तो आज आप यहाँ पर है, तो क्या आपका एक डायलॉग हमको जरूरत कर सकते, कोशिश कर सकते सर? Why not? ये इसने किया हुआ, प्रैक्टिस की हुई है ना? यस सर। शुरू हो जाओ। सर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस दीजिए सर। एक्चुअली सर थोड़ा सा भी सामने बैठी है ना, उसकी आवाज तब भी नहीं निकल रही बेचारे की। अशरफ इनको जोर से बोलते वीकनेस आ जाती है सर। सीरियसली सर, तो आपकी आवाज एक बार सुननी है मुझे सर। जी, मेरा घर बैठा बच्चा रोने लग गया, इतनी जोर से वहां तक आवाज गई। क्या बात है यार, यही आवाज सुनने के लिए हम सब तरस रहे थे। एक बार सनी पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर मैं भी अभी भाग के वहां गया ना, वहां कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे, कहते वो 2.5 किलो वाला भी ये करवा दो सर, आज मूड में लग रहा है। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस। जोरदार तालियां हो जाए सनी पाजी के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। हम तो थक ही जाते हैं ऐसे चल के। मुंबई पुलिस हमारे लिए कितनी स्पेशल है ये बताने के लिए हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं, आपकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तो उमंग 2022 में हमने किया है कुछ बहुत ही स्पेशल। तो सुपरस्टार सिंगर के सारे बच्चे और मनोज मुंतशिर जी के लिए जोरदार तालियां। नमस्कार मुंबई पुलिस, मेरा नाम है मनोज मुंतशिर और मेरा परिचय ये है कि मैं एक मुंबईकर हूं। मैं उसी मुंबई में रहता हूं जिसे आपने अपने घर की तरह खुशहाल रखा है, वही मुंबई जिसे आपकी वर्दियों ने संभाल रखा है। दोस्तों वो शहर और होंगे जहां लोग पुलिस से डरते हैं, हम 2 करोड़ मुंबई वाले अपनी पुलिस पर अखंड विश्वास करते हैं, अपनी पुलिस से प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि मुश्किल की घड़ी में दो ही लोग साथ नहीं छोड़ते, मां और मुंबई पुलिस। एक बार तालियां बजा दें मुंबई पुलिस के लिए। और सोचिए क्या दुनिया में कोई और पुलिस फोर्स है जो कर्तव्य के लिए जिंदगी और मौत की सीमाओं से आगे बढ़ जाए, जिसका एक सिपाही लाठी लेकर आतंक की राइफल से लड़ जाए। विश्व की किसी भी पुलिस फोर्स के पास एक तुकाराम ओंबले, एक हेमंत करकरे, एक विजय सालस्कर, एक अशोक कामटे, एक बाला साहब भोसले नहीं है। और आज यही लड़ाई, अच्छाई की सुरक्षा, बुराई का सर्वनाश, आपकी इसी सोच को आज मैं वो गीत समर्पित करता हूं जिसे लिखकर मेरी कलम धन्य हो गई। मैं और मेरे सुपरस्टार सिंगर्स प्रस्तुत करते हैं तेरी मिट्टी फॉर मुंबई पुलिस। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से करके खून गए, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके।
तुम्हारी छत्र छाया में हम जिए जाते हैं, तुम्हारे साये में खुद को महफूज पाते हैं, कभी बता नहीं पाए कि तुम हमारे लिए क्या हो, आज बताते हैं। तुम वो विश्वास हो जो हम अपने सीने में लेकर चलते हैं, वो सुरक्षा कवच हो जिसे पहनकर हम रोज घर से निकलते हैं। तुम मुंबई के हर बुजुर्ग की छड़ी, हर माँ का चश्मा, हर बहन की लाज हो। तुम बैंड्रा का बल, जोगेश्वरी की जान, ताड़देव का ताज हो। तुम दोस्तों के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले और दुश्मनों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज हो। ये शहर कभी रुकता नहीं क्योंकि तुम इसके सीने में दिल बन के धड़कते हो। ये शहर कभी झुकता नहीं क्योंकि तुम इसके मस्तक पर स्वाभिमान का सूर्य बन के चमकते हो। वक्त की आंधियां चली तो तुमने अपनी पुलिस कैप की तरह हमें संभाला है। तुम्हारे कंधे पर जो सितारे हैं ना, इन्हीं सितारों के दम से अंधेरी में भी उजाला है। 12 मार्च, 26 जुलाई, 26 नवंबर, दुर्भाग्य के हर क्षण में तुम हमारे आगे खड़े हो गए लोहे की दीवार बनकर। पराक्रम तुम्हारी पहचान, शौर्य तुम्हारी गवाही है। कोई कहे कि वो मौत से नहीं डरता तो झूठ बोल रहा है या फिर मुंबई पुलिस का सिपाही है। ओ देश में तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, कुछ लाल हुए बलिदान तो क्या सौ लाल तेरे रखवाले हैं। आंखों में तिरंगा लहराए, माथे पे वतन की खाक लगे, सीने पे लगे गोली तो क्या वर्दी पे कभी ना दाग लगे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी दिल की आरज़ू। बॉलीवुड की जेन नेक्स्ट, ये कूल है, खूबसूरत है, बहुत ही स्टाइलिश है और बहुत ही चुलबुली भी है। हर्ष, प्लीज वेलकम अनन्या पांडे। नमस्कार मुंबई पुलिस, माझा नाव अनन्या पांडे आहे आणि मला मराठी पण येते। वाओ, हमको नहीं पता था। हर्ष, एक सुपर फास्ट गेम हो जाए फटाफट। 100% फटाफट गेम खेलते हैं। गेम बहुत सिंपल है, आपको 30 सेकंड में हमारे दिए गए टॉपिक पर जवाब देने हैं। जैसे कि मुंबई के 5 फास्ट फूड के नाम। स्टार्ट। वड़ा पाव, हां, पानी पूरी, गोलगप्पे,
गोलगप्पे पानी पूरी एक ही होता है और अंडा पाव और कोई है? एक्चुअली गलती हमारी है, खाने का सवाल ऐसी लड़की से पूछा, इससे पूछते 150 नाम बता देती एक सांस में। लेकिन गेम शुरू नहीं हुआ था, ठीक है हम अब गेम शुरू करेंगे, तो आप तैयार हैं? पांच रैंक्स पुलिस फोर्स के आप बताइए। ओके, कमिश्नर, इंस्पेक्टर, हवलदार, डीसीपी, एसीपी। क्या बात है, चलिए अगला ये है कि कोई पांच ताने जो आपकी मम्मी आपको हमेशा देती है। एक्चुअली छह ही शब्द होते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। पता है जैसे मम्मी पापा बोलते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैं चांद पे चली गई थी, मैं स्कूल पैदल गई थी, ऐसे। हम भी कहते हैं ना, मम्मी यार शूट पे होते हैं आप फोन क्यों करते हो, तो मम्मी कहती जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे पता चलेगा। मैं आज माँ बनी हूँ, मुझे तब भी पता नहीं चला। कितना झूठ बोलती मम्मी यार। धीरे धीरे पता चलेगा जब बच्चा बड़ा होगा भारती। चलिए पांच सेल्फी के पोज। Let's go boys. Oh, one, two. आप बताएंगे कौन आ रहा है अगला स्टेज पे? नहीं, एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया कि कौन आ रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस कन्फ्यूजन। कैन समवन प्लीज टेल मी हु इज कमिंग? व्हाट इज दिस, ये हो क्या रहा है? Señorita, ¿puedo vivir? Una ya me quiero.
मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे तुमने लगाई आपको गाते हुए देखा है एक्टिंग करते हुए देखा है लेकिन पहली बार मैं आपको एक्चुअली डांस करते हुए देख रही हूँ और पहली बार सांस पकड़ते हुए भी देखेंगी सबसे पहले यही कहना चाहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई पुलिस का वो जो हमारे लिए करते हैं रोज वो धूप हो बारिश हो कैसा भी मौसम हो वो बाहर हैं हमारी सुरक्षा के लिए सो थैंक यू वेरी वेरी मच आप हैं तो हम हैं उमंग के स्टेज पर अगले मेहमान आ रहे हैं वो जिन्हें इंडस्ट्री में हो गए लगभग 40 साल पर एंटरटेनमेंट की ये मशीन थकती नहीं है हर्ष करेक्ट हम सब के फेवरेट चश्मे बद्दूर सिनेमा का कोहिनूर स्वागत कीजिए ये है अनिल कपूर क्या बात है सर क्या लग रहे हैं आप दोनों आप so दोनों much, अगर आप अकेला मुझे कह देते ना सर नहीं, तो मैं ये सोनी से कह के प्रोमो यही कटवाती वाकई बहुत एब्सोल्युटली लुकिंग फैंटास्टिक थैंक यू सो मच समझ नहीं आ रहा किसकी तारीफ करूं सबसे पहले मैं मुंबई पुलिस को मेरा नमस्कार कैसा कहा है मुंबई पुलिस कैसा कहा है जोरात जोरात अरे बोला यार मैं थोड़ी परेशान हूँ मुझे ना मुझे कंप्लेंट करनी है किसी की बताओ किसके बारे में कंप्लेंट करनी है सब बैठे हैं आपके बारे में सर आपके बारे में मेरे बारे में मेरे बारे में क्या मैंने क्या किया आपको इंडस्ट्री में लगभग 40 साल हो गए हैं सर है ना 40 से भी ज्यादा आपने 40 से भी ज्यादा हो गए 40 से भी ज्यादा 40 से भी ज्यादा 40 एज के हिसाब से आपको कम कह रही थी और आपने 112 फिल्में कर ली है अब तक ये 112 बोल के क्या मतलब क्या मुझे गिनती नहीं आती नहीं नहीं सर वो नहीं मैं अभी कंप्लेंट कर रही हूँ आपकी कि आपने इतनी सारी फिल्में की हैं सुपर डुपर हिट फिल्में अच्छी अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम किया है लेकिन अभी भी एक हॉट सुपरस्टार एक्ट्रेस बच गई है जिसने आपके साथ काम नहीं किया कहाँ है वो लड़की जरा देखो तो सही बताइए मुझे हेल्प कीजिए सर किधर जा रहे सर वहाँ एक दो हीरोइनें देखी थी ये जो उड़ की जा रही है ये हिना खान सर सर वो लड़की हिना खान नहीं है तो फिर कौन है वो लड़की सर इधर 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 सर इधर अरे इधर किधर हरी भरी लड़की सर भारती सिंह हरी भरी लड़की सर अब देखिए इतना बड़ा घुटना दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई देखो सर क्या बोल रहा है ऐसे मत बोल शी इज माय फेवरेट ओ माय गॉड सर आप क्या मेरे साथ काम करना चाहेंगे 100% मैं करना चाहूंगा हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आप वो तस्वीरें देखकर हमें बताएंगे कि उनके मन में चल क्या रहा है 100% तो पहली तस्वीर ओ माय गॉड ओ ये है परिणीति चोपड़ा क्वाइट क्वाइट व्हेन आई सिंग नेक्स्ट अगली पिक्चर
मैम हाशमी। ये है मेरा हाशमी, बोलो यार कहाँ है, किसको चूमूं, किसको किस करूं। नहीं सर, इस बार ये नहीं चल रहा, इस बार कह रहे किसको काटूं। क्योंकि उसी हिसाब से मुंह खोला है ना। एक्चुअली लग तो ऐसे ही रहा, मगर शायद आजकल किसिंग का स्टाइल ये हो गया। चलिए तीसरी पिक्चर दिखाइए। तीसरी पिक्चर बताइए। आता माजी साटा खली, आता माजी साटा खली। अगली पिक्चर। Oh my God. अरे लुक एट माय जॉलाइन, मेरी जॉलाइन देखो, जॉलाइन देखो। इस जॉलाइन के साथ मैंने पूरे पूरे हिंदुस्तान को कब्जा में ले लिया, अब मैं पूरी दुनिया को कब्जे में लूंगा, मैं एक बहुत बड़ा हॉलीवुड स्टार 100% बनूंगा पक्का। ऋतिक में वो क्वालिटी है, वो बन सकता है। जॉयलैंड क्या है, जॉयलैंड के साथ साथ टैलेंट भी है। अगली पिक्चर, अगली पिक्चर। ये बहुत हिट दे रहा है आजकल, बहुत भुदक रहे हैं तुम लोग सब हीरो लोग। हाँ बहुत भुदक रहे हो। आ रहा हूं मैं पठान लेके, पठान जनवरी में पठान लेके आ रहा हूं मैं। एक बार अनिल सर के लिए जोरदार तालियां। सर जुग जुग जियो। चलिए अब वो आ रही है जिनको मराठी ठेचे से नहीं लगता है डर, लगता है डर उन्हें अचार से, थप्पड़ से नहीं वो डरती, डरती है वो सिर्फ प्यार से। क्या बात है, प्लीज वेलकम सोनाक्षी सिन्हा। सोना कितना सोना है, हाउ आर यू सोना, कैसी हैं? बहुत पहले ही पहुंच जाता जब कोई लड़की आती तो। हाय सोना, मैं तुम तक ही पहुंचने की कोशिश कर रही। सच्ची ये बीच में आ जाता तभी ऐसा चिपकू है। सोना जैसे आपके पापा डायलॉग बोलते हैं और वो सुपर डुपर हिट और क्या बात है। इधर खामोश नहीं कह सके, कमिश्नर साहब बैठे, पूरा करेंगे सर, पूरा करेंगे। इसलिए तुम्हें बोला ना, वहां देख के नहीं बोला मैंने। अच्छा अच्छा, तो आपके पापा जैसे शत्रु सर डायलॉग बोलते हैं और वो सुपर डुपर हिट हो जाता है, और आप भी उसी चीज में फेमस है। करेक्ट, कि जो भी बोलती है वो हिट हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप आई हैं थोड़े समय के लिए तो कोई ऐसे डायलॉग हो जाए, मतलब वो भी यादगार बन जाए, लेकिन ऐसे हाँ। स्टेज पे नहीं, आपको रेंडमली अपने फोन से किसी दोस्त को फोन लगाना है और जैसे ही वो बोलेगा हाँ सोना, और आपने वो डायलॉग शुरू कर देना। ना हाय ना हेलो, मैं यहाँ पर हूँ, कुछ नहीं, सीधा डायलॉग, कोई भी डायलॉग चलेगा ना। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। हेलो, हाय मनीष। हाय। भारती मुझसे बहुत स्टूपिड चीजें करवा रही है स्टेज पर। सोनाक्षी बोल रही हूँ। चलो ये मैंने मिला दिया है माधुरी मैम को। डायलॉग नहीं, कुछ भी बोलिएगा। ठेचा से डर नहीं लगता, आचार से लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। जल्दी काट दो, उससे पहले वो हमें गालियां दे दे। एक बार सोना के लिए जोरदार तालियां। जाने से पहले सोनाक्षी एक बार गंदी बात पे डांस ना हो तो। बिल्कुल, कहाँ गए हमारे पुलिस वाले? कौन है डांस करना चाहता है, कोई है? मैं चाहती हूँ सारी
लेडी ऑफिसर्स आ जाए। आइए लेडी ऑफिसर्स, प्लीज आइए। अब आएगा ना मजा। आइए आइए मैम प्लीज। सारी दबंग लेडीज पुलिस के लिए जोरदार तालियां। जिंदगी कभी कितनी क्रूर और कितनी बेरहम हो जाती है कि इस बात का एहसास तब होता है जब किस्मत हमारे किसी अपने को हमसे छीन लेती है। एक पल वो हमारे साथ है और दूसरे ही पल सब कुछ खत्म। जिनके गीतों को हमने गुनगुनाया, जिनके गानों में हमारा गला भराया, उसी आवाज को तकदीर ने एक झटके में हमसे छीन लिया। शायद अब तक हम सब उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए, पर एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वो होती है कि हम उसकी कला का जश्न मनाकर उसे सम्मानित करें। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय के जी की। आशियाना मेरा। और ये श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं उनके प्यारे दोस्त जो खुद सूरों के शहंशाह हैं, जावेद अली जी का। वो वो तू जो मिला सब हासिल, तू जो मिला हासा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। आशियाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, मुश्किल सही हासा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको
मेरी जा बेपना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपना, वो स्वागत कीजिए इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के विग्नेश पांडे और उनकी पपेट एना का। एक मिनट, अरे चलो कर। मैडम मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजून निघती तारा, मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजून निघती तारा, अरे असं कसं करता कसं कसं करता कसं करता, आता दाराची गाडी निघाली, मला जाऊ द्या ना। एक मिनट मैम, हिंदी में बोलो। वो कुछ नहीं, हम लोग यदि किसी का चोरी उतारने ते आ गए ना तो भाषा ऑटोमेटिक समझ जाता है नागरिक। पर मैम मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं क्या तेरे को इधर शादी का कार्ड बांटने के लिए बुलाए? नहीं वैसे नहीं, मतलब अरे 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 तू रे नहीं करने का, आराम से नहीं तो इधर उनंग का परिवार बैठा है, तेरे को मिल के ऐसा कूटेंगे ना कि बदन का नया नया जगह का हड्डी मालूम पड़ेगा तेरे को आज। लाइसेंस दिखा। मैम जाओ दिन। नस्का मत मार, लाइसेंस दिखा। अच्छा सॉरी। अरे जेद क्या खुजा रहा है लाइसेंस? अरे एक मिनट मैम, लाइसेंस ही ढूंढ रहा हूँ। मिल गया। ये मैं ही हूँ। ए तू इसका बॉडी डबल बन के तो नहीं घूम रहा है ना? नहीं 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 नहीं, मारूंगी तेरे को। नहीं 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 नहीं, आधार कार्ड है? हाँ आधार कार्ड भी दिखा दो। इतने सारे डॉक्यूमेंट कौन देखता है? डॉक्यूमेंट कौन देख रहा है? नहीं तो उसने तेरी शक्ल देख के मजे ले रही हूँ। अच्छा मैम, मुझे लग रहा है कि आप नकली पुलिस वाले हो। कैसे मालूम पड़े? नकली नहीं हूँ मैं, असली हूँ। सर लग नहीं रहा। तेरे को तू सिखाएगा मेरे को पुलिस वाला कैसा बनते है? हाँ तू सिखाएगा, चल तू धन पुलिस वाला, मैं तेरे से बात करती हूँ। नहीं नहीं मैंने, अरे धन पुलिस वाला, अरे मैं नहीं, अरे धन ना पुलिस वाला। अरे रास्ते के बीच में ऐसे कैसे बनूं? अच्छा, और रास्ते के बीच में हम लोग धूप हो या बारिश, 12 महीना, महीने का 30 दिन बनते है, काम करते है, कभी कंप्लेंट किया? सही बात है, मैं बनता हूँ पुलिस वाला, सॉरी। ठीक है। हेलो हेलो, पुलिस पांडे बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन? मैं गर्लफ्रेंड। किसकी? मेरा बॉयफ्रेंड की। बॉयफ्रेंड? अच्छा, ओ तो क्या काम है आपको? मेरे को मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है। ओ कब से? बचपन से बहुत कोशिश कर रही हूँ, बॉयफ्रेंड ही नहीं मिल रहे। क्या ये ऐसा कॉल आता है? एक और कॉल ले। हेलो हेलो, पुलिस पांडे बोल रहा। हाँ मेरे पापा नहीं मिल रहे। पापा का? अरे नहीं नहीं, हाँ आपके पापा का नाम क्या है? मुकेश अंबानी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, यू've been an amazing audience. I'm Vignesh Pandey, that's Anna. Thank you. उमंग के मंच पर आ रही हैं दिव्या खोसला कुमार, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हाय नी तेरा सूट भी, हाय नी तेरी साड़ी भी, हाय नी तेरा लहंगा, तेरी ड्रेस ते तेरा कोका। Designer, 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 designer,
साथ फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ, क्योंकि मैं फिर से कहूंगी, आप हैं तो हम हैं. थैंक यू सो मच.